मैं चाहती हूँ ये जो मेरा वीडियो ना प्लीज शेयर करे, क्योंकि जो बातचीत थी डॉक्टर की हवा में भी कोरोना है, ये बात ना बहुत ही ऐसी हो गई है कि सबको पता होना चाहिए कि अगर आपका बेबी नहीं खाएगा ना तो मैं बाइट कर लूंगा उसको। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। ब्रेकफास्ट बन रहा है अभी, तो दिखाती हूँ मैं क्या क्या बनता है। और मैं भी हेल्प कर रहा हूँ। और ये पहले मैं किट्टू के लिए बना लेती हूँ, क्योंकि ग्लूटेन फ्री बनाना है किट्टू के लिए, तो आज मैं किट्टू के मैदे का बना रही हूँ। उसका ग्लूटेन फ्री मैदा है, हेल्दी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ग्लूटेन फ्री है। और हम लोग कुछ भी खाते हैं तो सेम चीज़ें उसको भी चाहिए होता है, नहीं तो रोती है। मिर्ची नहीं खाएगी, वो मिर्ची नहीं खाएगी। और ये बैटर है हम लोगों का, तो इस बैटर को हम अलग से बनाएंगे। पहले किट्टू का मैं बना के निकाल लूंगी, सेपरेट कर लूंगी, उसके बाद हम लोगों का बनाएंगे, क्योंकि हमारा तो ग्लूटेन फ्री ऑब्वियसली नहीं है। और किट्टू का ये चक्कर बहुत ही गंदा है, बड़ा सोच समझ के पूरी सफाई के साथ यहाँ पे काम करना पड़ता है किचन में, कि कुछ भी वीट का उसमें नहीं जाना। तो मैं नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद आएगी इसको खाने की बारी। अभी किट्टू का नाश्ता हो रहा है। खिला दिया, एग खा लिया आपने किट्टू? चला इधर आ। Say good morning. Good morning. किटू का आज क्या बनाया मम्मा ने? केक। और आज किटू क्या कट करेगी? केक। और ये क्या बन रहा है किटू का? What is this? ये किटू का ग्लूटेन फ्री नाश्ता है। इसके बाद जो आ रहा है ये हमारा है। तो ये हमारा नाश्ता बन के रेडी है गाइस। हेलो फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू मेक टी फॉर रानू। गाइस, रानू में है कुछ अलग, ये मैं मानता हूँ। अनुपम जी और मेरी नोकझोंक यहाँ पे चल रही है, वो ना बड़ी बड़ी बातें हवा में छोड़ते रहते हैं और मुझे गुस्सा आता रहता है। जी मेरा ये ब्रेकफास्ट रेडी है। ब्रेकफास्ट मेरा हो रहा है और हम आगे देखते हैं क्या हो। यहाँ पे हो रहा है हमारा नाश्ता, अनुपम जी साथ में बैठे हैं, नोक झोंक चल रही है सुबह सुबह जो कि रोज ही होता है। और बड़े मज़े से हमारा नाश्ता ख़त्म होता है। ये देखो ये बंदा ना, मतलब क्या बताऊँ आपको, वैसे नाश्ता ना बहुत अच्छा बना है और चाय भी अच्छी बनी थी। कल हमने केक बनाई थी ना, आज किट्टू को हमने दिया, उसे बहुत अच्छा लगा। हैप्पी बर्थडे। किसका बर्थडे? एंड हु विल कट द केक? जल्दी बताओ कौन केक कट करेगा। तो आप क्यों बैठे हो केक के पास? पाउट बनाओ। ओहो तो आप लोगों ने देखा गाइस कितना पोपट बना गया था हम लोगों का जो हम केक बना रहे थे, बट किट्टू उसे पसंद कर रही है और वो एंजॉय कर रही है, तो थोड़ा बहुत ही खाएगी। क्या कर फ्रेंड्स, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हैप्पी बर्थडे टू यू हम लोग क्यों बोल रहे हैं। एक्चुअली ये जब भी केक देखती है ना तो इसको सबको बोलती है कि बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू और मैं केक कट करूँगी, इसलिए हम सारे बोल रहे हैं। ये पूरा केक तो खाएगी नहीं, वैसे भी केक ख़राब हो गया है, तो ये साइड साइड से खाएगी। कर रहे हो आप? हैप्पी लिसन, देखो इधर, अरे केक खा लिया सारा। केक को अच्छे से लगाने के बाद हाथों में हैंड वॉश करने आई है। देखो इधर,
ओए किटू, ओए किटू। अरे वाह, हैंड तो क्लीन हो गया, फेस भी तो कर लो। अरे छोटा सा बच्चा, आप ही अपनी फेस क्लीन, अरे फेस नहीं, माउथ, माउथ क्लीन करना है बस। आप देखो कैसे करते हैं माउथ क्लीन, ठीक है? अरे 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 वाह, अरे करो कर लो ना। हाँ, अरे वाह, कुली भी कर रहा है, फेस तो क्लीन है। ये हेयर बैंड किसका है? बस हो गया, हो गया, वाटर खत्म हो जाए ना सारा। इसने डोर क्लोज कर दिया, ये देखो, और मुझे कह रही है बाहर रह, बालकनी में, अंदर मत आ। ये देखो, अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, थैंक यू, अब डोर क्लोज कर दो। हाँ। तो गीला कर लिया सारा, ये देखो सारा गीला हो गया आपका वेस्ट। ऊपर ऊपर से क्रीम तो खा लिया केक का किटू ने, और बचा हुआ केक ना उठा के ये फेंक देगी सारा। तो यही ड्रामा पूरा दिन किया इसने, और पूरा दिन हमारा बीत गया ऐसे ही। और हमारी चाय बन रही है, मैं आपको दिखा दूँ चाय। डूम 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 डूम, और थोड़े बहुत मखाने भी खाए अभी मैंने। तो मेरे घर में कोई चाय पीता नहीं है वैसे, तो मैं और मेरी मम्मी शाम को पीती हैं, तो मैं उन्हें को देने जा रही हूँ चाय, और एंजॉय करते हैं। किट्टू का भी नाश्ता हो रहा है, हम लोग भी चाय पी रहे हैं, साथ में किट्टू का भी ब्रेकफास्ट हो रहा है, और ये चाय के साथ कुछ। तो गाइस अभी 9 बज चुके हैं, रात का टाइम हो गया है, और वही डेली वाला रूटीन मुझे करना है। तो मुझे बनाने जाना है सब्जी, बट अभी मैं एडिटिंग कर रही थी, क्योंकि कल आज का जो वीडियो है वो कल लाइव होने वाला है। तो मैं अभी एडिटिंग करके शेड्यूल में डाल देती हूँ, और कल आपको 9 बजे दिख जाएगा मेरा ये ब्लॉग। तो फटाफट एडिटिंग करके मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने, और अभी मैं दिखाऊँगी कि मैं क्या बना रही हूँ। आई थिंक आलू शिमला मिर्च बनेगा आज, जो कट करके इन्होंने रखा होगा मैंने वो बना देना है। तो मिलती हूँ आपसे किचन में। तो जी ये हमारी सब्जी बन रही है, आलू और शिमला मिर्च सब्जी बन रही है। गाइस यहाँ पे मैं खाना बनाने आ गई हूँ किचन में, तो आज बन रही है आलू शिमला मिर्च। पापा जी ने बोला है कि मसाला कम डालना, क्योंकि बड़े दिन से हम थोड़ा मसाले वाली सब्जी खा रहे थे, तो आज मैं पूरा ट्राई करूंगी कि कम मसाले में बनाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं, मुश्किल दौर है, तो बस आप लोगों से जुड़ के थोड़ा बहुत टाइम डाइवर्ट करके ना अपना दिल मैं बहला लेती हूँ। बट स्टिल न्यूज़ मैं ही देखती हूँ, क्योंकि न्यूज़ में बहुत ही नेगेटिविटी है। आप न्यूज़ देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको कोरोना ऑलरेडी हो गया है, और इतनी प्रिकॉशन लेने लग जाएंगे। मेरे को तो आज पता लगा है कि मेरी साथ वाली बिल्डिंग में जो है कोरोना हुआ था 15 दिन पहले किसी को, और वो अब ठीक भी हो गया है, खैर नेगेटिव रिपोर्ट आई है। लेकिन आप ये देखिए ना कि हमें पता ही नहीं था कि उसको कोरोना है। मेरी मदर भी ग्राउंड फ्लोर पे रहती हैं, बट हम लोग इतना प्रिकॉशन ले रहे हैं, अगर मेरी मेरे पापा या मम्मी या ब्रदर सिस्टर कोई भी ऊपर आता है, तो सबसे पहले हम डोर ओपन करते हैं, वो हैंड्स अप करके सबसे पहले हैंड वॉश करते हैं, फिर स्प्रे करते हैं उनको, उसके बाद हम लोग अंदर एंट्री देते हैं। सेम बिल्डिंग में हम लोग ये कर रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं, तभी मुझे लगता है कि अगर साथ में कोरोना हो गया था तो हम लोग सेफ हैं। तो रीज़न यही है कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा बरत रहे हैं। अब तो आज के न्यूज़ में भी डिबेट दिखा रहे थे कि शायद हवा में भी कोरोना। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो मुझे आज ही पता लगी है। मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, एक्चुअली वो जिम ट्रेनर बनना चाह रहा था पिछले कुछ दिन से, उसको बहुत सवाल था कि मुझे जिम ट्रेनर बनना है, क्योंकि फिटनेस वगैरह का बहुत अच्छा ख्याल रखता है। वैसे उसकी ये कर रहा था, बट आजकल एक साल से वो जॉब कर रहा था। वो लोग गुड़गांव अभी शिफ्ट हो गए हैं, गुड़गांव शिफ्ट हो गए थे क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, घर के पास ही ऑफिस था, और एक साल से वर्क फ्रॉम होम ही दे रखा है, ऑफिस जा नहीं रहे। अब वो बंदा तो घर से बाहर ही नहीं निकलता अपनी सोसाइटी में, तो मुझे आज पता लगा था कि इसको कोरोना हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, 26-27 साल का है वो, और उसको कोरोना हो गया, और वो घर से बाहर नहीं जाता। शॉकिंग चीज़ ये थी कि वो घर से बाहर नहीं जाता, कोरोना हो गया सकता है।
इतना हट्टा कट्टा बंदा और उसको कोरोना हो जाए, मेरे को तो बिलीव नहीं हुआ। हम से यही सोच रही थी कि उसको कैसे हो गया, वो तो घर से बाहर नहीं जाता। कहते घर से बाहर जा रहे हो, हवा में वायरस है, आप कहीं मास्क नीचे करते हो तो आपको हो जाएगा। बट बड़ा ही मुझे सुन के ना शॉकिंग लगा, क्योंकि वो तो घर से ही बाहर नहीं जाता। तो आज मैं ये चीज सोची रही थी, और पता नहीं कैसे न्यूज चैनल खोला शाम को, तो एक डिबेट हो रहा था जहाँ पे डॉक्टर्स की टीम 4-5 बैठी हुई थी, और एम्स के भी डॉक्टर थे, और NDTV पे शायद वो न्यूज चल रहा था, आई थिंक NDTV था, और वहाँ पे यही चल रहा था कि क्या आपको घर में बैठे भी कोरोना हो सकता है, और क्या आपको पब्लिक टॉयलेट यूज करने से कोरोना हो सकता है, एक बिल्डिंग में रहने से कोरोना हो सकता है। बहुत सारी चीजें मैंने सुनी, मेरे माइंड में तो यही क्वेश्चन था कि क्या आपको घर बैठे कोरोना हो सकता है। एम्स के डॉक्टर रिप्लाई दे रहे थे कि हांगकांग में सर्च वगैरह हुआ, उसमें ये पता लगा है कि एक ही बिल्डिंग के 300 लोगों को कोरोना हो गया, जबकि वो लॉकडाउन पीरियड में थे, वो बंद थे बिल्डिंग में, और उनका आना जाना काफी दिनों से बाहर नहीं था, फिर भी उनको हो गया। क्योंकि कुछ बता रहे थे कि हवा में वायरस होता है, पार्टिकल्स होते हैं उनके जर्म्स कोरोना के, जो चिपक जाते हैं डस्ट में, और अगर कोई बंदा सांस ले तो डस्ट के थ्रू आ जाता है, या आप पॉट पे बैठे हैं, वॉशरूम में पॉट पे बैठे हैं, उसे आपने कमबोर्ड को फ्लश ऑन किया और वो पानी एकदम से बाहर मारता है ना, तो पाइप के थ्रू भी पानी जैसे बाहर आता है, तो नीचे वाले फ्लोर में अगर किसी को कोविड है, अगर कोई फ्लश चला रहा है और पानी ऊपर आ रहा है, हवा के थ्रू कोरोना का वायरस बाहर आता है और वो एकदम से बंदे को हिट करता है नोज के थ्रू और माउथ के थ्रू, और उसको कोरोना हो जाता है। मैं तो तोते उड़ के गाइस, बट वो ये कह रहे थे कि अभी तक पक्का पुख्ता सबूत नहीं है, और ऐसा कोई सर्च नहीं पर्टिकुलर हुआ है कि ये नॉलेज सही है, बट ऐसा है। जो मैं सोच रही थी वो मैंने देख लिया, और अब क्लियर तो हुई नहीं कि ऐसा होता है। कुछ दिन पहले एक और न्यूज़ देखा था मैंने कि उसमें बता रहे थे कि आप जैसे आप कहीं बाहर ऑब्वियसली दूध वगैरह लेने तो हम लोग शॉप पे जाते ही हैं, ठेले के पास खड़े हैं, वहां से कोई बंदा गुजरता है, उसने छींका एकदम से, छींकते अगर उसको कोरोना होगा बाई चांस, तो वो जो डस्ट के पार्टिकल बाहर में बहुत होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, इनविजिबल होते हैं वो, उस पे कोरोना वायरस डस्ट पे चिपक जाता है और 6 घंटे तक वो लाइव रहता है। कोई वहां से जाएगा और एकदम से मास्क नीचे करेगा तो वो वायरस उसके अंदर जाएगा और उसको कोविड हो जाएगा, ये तो मैंने भी सुना था। यानी फ्रेंड्स, दुनिया में क्या हो रहा है, घर में रहो, सेफ रहो, बाहर में मत जाओ यार, जो है घर में वो बनाओ, जो है वो खाओ, और अगर निकलते हो सब्जी दूध ये एसेंशियल चीजों के लिए जो डेली नीड्स की होती हैं, जो हमें चाहिए ही चाहिए, तो आप बहुत प्रिकॉशंस के साथ जाओ बाहर, नहीं तो कब क्या हो जाए किसको पता नहीं यार। आजकल तो कोई एक हफ्ते तक नहीं दिखता, तो मैं तो फोन वन कर लेती हूँ कि सब ठीक ठाक है ना, क्योंकि बाद में पता लगता है वो बंदा ही नहीं है, ये चीज हो रही है, फैक्ट है ये। मैं चाहती हूँ ये जो मेरा वीडियो ना प्लीज शेयर करे, क्योंकि जो बातचीत थी डॉक्टर्स की और ये हवा में भी कोरोना है, ये बात ना बहुत ही ऐसी हो गई है कि सबको पता होनी चाहिए, और इसका प्रमाण नहीं है अभी तक कि है या नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स एम्स के भी कह रहे हैं कि हाँ जी हवा में कोरोना हो सकता है। तो मेरा ये वीडियो आप जरूर शेयर कर ले सब तक, ताकि सबको न्यूज जाए, ताकि सब अवेयर हो जाए, और अगर वो बाहर निकलते हैं ना तो पूरी प्रिकॉशंस के और साथ। पता है सनी के साथ क्या हो गया, वो छत पे पढ़ने जाता है शाम के टाइम, और जो हमारा साथ वाला बिल्डिंग है ना, उसकी छत हमारे छत से ना काफी मतलब जुड़ी हुई है, तो वहाँ पे PG बना हुआ है, 4 फ्लोर है उनके, तो सब पे PG बना हुआ है, तो बाहर के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, और अभी टाइम चल रहा है कोरोना का, हम लोग इसको मना करते हैं छत पे मत जा पढ़ने, क्योंकि हवा में वायरस है तो कुछ भी हो सकता है। इसके साथ तुम क्या हुआ? एक्चुअली मैं गया था पढ़ने के लिए, घर में काफी डिस्टर्बेंस थी, मैं गया छत पे पढ़ने के लिए, बगल वाले छत पे ना एक लड़का पढ़ रहा है, उसने मास्क निकाला अपना, ठीक है, और खांसने लगा, मैं डर गया, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, मैं सीढ़ी पे चला गया और जोर से खांसने लग गया। अच्छा, फिर मैं, मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया, मैं इतनी जोर से भागा वहां से, मुझे लगा कि कोरोना वोरोना तो नहीं हो गया ऐसे, और मतलब हाँ यार ऑब्वियसली डरने वाली बात है, और अगर वो साथ वाला है और हवा में वायरस है, किसी को कुछ हो जाए, हम लोग इतने दिनों से घर में बंद है और ये हो जाए तो बड़ी डर वाली बात है, ये तो भाग गया, भागता हुआ आया, दीदी मैं तो जा रहा हूँ नीचे, मैंने कहा यहाँ पे मत आ, तू नीचे जा सीधा, तू हैंड वैंड वॉश कर और अपना आराम से जा, स्प्रे वगैरह कर और घर में पढ़, अब मत जाइयो। अब इस पे ना छत पे जाके पढ़ने का भूत ही उतर गया, अब ये या तो यहाँ पे एक रूम में बंद होके पढ़ लेता है या नीचे पढ़ लेता है गाइस। तो आप भी ध्यान रखें कि कोई खांस रहा, आजकल तो खांस
आजकल तो खांसना गुना ही हो गया, तो आप भी ध्यान रखें कि अगर कोई खांस रहा है कुछ हो रहा है तो अभी टाइम नहीं है वो कि आप वहां पे खड़े रहे और देखते रहे, अपना साइड में जाए। साइड हो रहे भैया कुछ नहीं पता, हवा के थ्रू डस्ट पार्टिकल पे जर्म्स आ जाते हैं और फेस पे चल और नोज के थ्रू माउथ के थ्रू आपके अंदर चले जाते हैं। हो सकता है ये चीज यार, किसी को कुछ नहीं पता जब एम्स के डॉक्टर ऐसी बातें कर रहे हैं। तो गाइस प्लीज ध्यान रखे, अवेयर रहे और सेफ रहे गाइस। और फ्रेंड्स मेरी सब्जी रेडी है और हम लोग खाने जा रहे हैं। अब खाना खा के सोएंगे, थोड़ी बहुत एडिटिंग है वो करने के बाद हम लोग सो जाएंगे। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताएं, अपना प्यार बनाए रखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और 9 बजे सुबह मेरी वीडियो लाइव हो जाती है एवरी डे, तो प्लीज जरूर देखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।